भाईजन वो खुसरो बख्तियार साहब किधर होते हैं आजकल? मियां नवाज शरीफ को मिलने गए मैं। अच्छा आपके पार्टी के मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को मिलने चले गए? बाहर सारे चले जाते हैं, अगर एक हमारा चला गया तो क्या होगा? याद आया वापस। अच्छा आप इलेक्शन अनाउंस करें, आगे इलेक्शन लड़ेगा इधर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक तो पहले इंटरेस्टिंग बात थी, एक इंसान 3.5 साल फेडरल मिनिस्टर रहा और उसके बाद वो आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ को मिलने चले गए, तो यानी कि एक तो वो डिसलॉयल हो गए। आपने मुझे कहा कि फिक्र ना करें वापस आ जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि वो इस सब के बाद वो जब वापस आएंगे तो आप लोग पिन को वापस उसी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे? मैं कह रहा हूँ वो बेचारा छुट्टियां मनाने गया हुआ, क्या कर गया गया इधर? ये कौन सी छुट्टियां जो कि वो पहले क्या थी जब आप लोग की? वो 25 मई को छुट्टियां मना रहा था, अभी वो छुट्टियां मना रहे हैं। नहीं है उनके पास जवाब। एक तरफ 25 मई को जब डॉक्टर यास्मीन राशिदी गाड़ी टूट रही थी तो वो बंदा बाहर बैठा हुआ है और अब आज हम इधर पहुंच गए। उसका भाई इधर ही है ना, हमारे साथ होता रोज, तो उस भाई को छोड़े मुझे खुसरो बख्तियार का बताएं। आजेगा वो भी, आजेगा टेलीफोन दे उसी गल कर लेने। मुझे हैरत इस बात पे कि वो आ जाएंगे और ये एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा टिकटें देना कोई मेरे बस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इस दफा हमारी पार्टी में ये खासा फैसला कर चुके हैं कि जो इस मुश्किल हालात में मेरे साथ खड़े हैं टिकटें उनको दी जाएंगी। सवाल पूछिए सर। मेरा नाम आसिफ भटिया है और मेरा सवाल अजमा बुहारी साहबा से है। और आपके गवर्नमेंट आने से पहले महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब आप आए तो आपने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, तो आपने महंगाई ज़्यादा कर दी। तो आप उससे पहले पेट्रोल 150 रुपये था और जो डॉलर था वो भी तकरीबन 150 या 160 था। अगर आप उसे महंगाई ये कंट्रोल नहीं होती थी तो आपने ये जुल्म क्यों किया, ये गवर्नमेंट क्यों छीनी, इसके बारे में मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए जी पहले तो पहली बात ये है कि भाई IMF का नाम सुना हुआ है आपने? वो क्या होता है? वो अगर नहीं सुना तो शौकत तरीन की ना आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा, जिसमें वो बता रहे थे कि 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी ना वो करने का वादा करके आए थे IMF से। और IMF जो अभी तक जिस कुछ सारा जो साइन करके आया ना इमरान खान, जिसमें उसने बिजली के यूनिट की कीमत जो है 36 रुपए से ऊपर ले जानी थी, ये IMF ने किया है। और ये जो अभी तक IMF जो है ना पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है उस मुआहदे के जो इमरान खान ने किया हुआ है, तो ये IMF का मुआहदा जो है इमरान खान को कैसा करें कि IMF को जो है उसके सामने खड़ा कर दें और इससे हमारी जान छुड़ा दें, बाकी चीजें जो है दुरुस्त करके देना मेरी जिम्मेदारी है। IMF के अंदर होता हुआ पाकिस्तान मेरी जिम्मेदारी नहीं है। IMF के बाद का प्रोग्राम मेरी हुकूमत ने किया था ना, जब IMF का प्रोग्राम, तो हमने 2016 में IMF को खुदाफिस कह दिया था प्यारे भाई, अगर आपको तारीख याद हो। अच्छा वो वक्त किधर है जो सांडा कहता था मुझे डील करना आता है, मैं करूंगा IMF से, वो किधर है? वो कर रहे थे डील, लेकिन अब IMF तोड़ी को ही हुई थी। चलो छोड़ो इसको, 2020 में खेलने लगाओ, आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अजमा जी आपसे स्टार्ट करो, अबकू का आपसे करो, बताएं जो आपका दिल करे। आप लोग डिसाइड करें, इतना तो डिसाइड कर लें आपस में। लेडीज फर्स्ट है जी। अजमा जी बता दीजिए कि इनमें से किसकी तकरीर टीवी पे आ रही हो तो आप बार बार सुनेंगी, किसकी तकरीर आ रही हो तो उसको एक बार सुन लेंगी, और किसकी तकरीर आ रही हो तो आप उसको फिलहाल म्यूट कर देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं, शायद खाकान बासी, दूसरी ऑप्शन है राणा सनाउल्ला, तीसरी ऑप्शन है राना तनवीर साहब। मैं राणा साहब की बार बार सुनूंगी, बार बार सुनेंगे। एक बार किसकी सुनेंगी? खाकान बासी साहब। और किसकी म्यूट हो गई है? राणा सनाउल्ला की। राणा सनाउल्ला पहली बार बार सुनूंगी, इनकी क्या है? राणा तनवीर साहब की म्यूट हो गई है, ठीक है। ये बता दीजिए मैडम, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक और मुश्तबा शुजाउर रहमान। तो सेल्फी किसके साथ है? ख्वाजा साद रफीक साथ। मुस्कुराए किसको देख रही है? मुश्तबा और सलमान दोनों भाई हैं, और लेकिन चले साद भाई के साथ चुके सेल्फी हो गई है तो सलमान को मैं मुश्तबा साहब को देखे और लिफ्ट से बाहर अभी चले गए हैं सलमान साहब, ठीक है। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जाएंगे, जिसको लेके जाएंगे वहीं छोड़ेंगे, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आबिद शेर अली और तलाल चौधरी। तलाल को छोड़ाऊंगी। तलाल को छोड़ दिया, ठीक है। टाइटैनिक पे 2 VIP पास, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। टाइटैनिक पे इनके साथ जाना है तो जानता ही नहीं बंदा रहा। देखिए ऑप्शन यही ऑप्शन यही अवेलेबल है हमारे पास। मौलाना साहब के साथ मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। आसिफ जरदारी साहब, ठीक है। डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, किसको दे रही है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना प्रवेश भट्ट और बुशरा अंजुम भट्ट। हिना को दे दी है, हिना ले गई है, बुशरा आपको नहीं मिली है लाइफ जैकेट, ठीक है। अब गुग साहब तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। किसका पोर्ट्रेट बनाना चाहेंगे आप इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज। बिलावल का बर्दाश्त कर लूंगा, बिलावल करवा लेंगे, ठीक है। ये बताइए आप भी तकरीरें सुन रहे हैं, किसी एक की तकरीर बार बार सुननी है, किसी एक की एक बार सुननी है और किसी एक की आपने म्यूट ही कर देनी है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मुराद सईद,
फवाद चौधरी और मियां असलम इकबाल, तो किसकी बार बार सुनेंगे? मैं मुराद सईद की सुनूंगा जी बार बार। किसकी आप एक बार सुनेंगे? फवाद चौधरी। और किसकी आप म्यूट कर रहे हैं तकरीर? मियां साहब की कर दूंगा जी। मियां साहब की कर दी आपने। ये बताइए सर, मॉर्निंग अलार्म के तौर पर एक आवाज आपके फोन या आपकी घड़ी के अंदर फीड कर दी जाएगी, आप रोज सुबह उठेंगे तो वो आवाज आपको उठाएगी एज द मॉर्निंग अलार्म। अब सोच लें किसकी आवाज होगी वो। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राणा सनाउल्ला और अता ताड़। मैं माफी मांग सकता हूं जनरल मथला ले। आप जनरल नॉलेज में जा सकते हैं। कोशिश करूंगा जी जनरल नॉलेज में पास हो जाऊं। अच्छा जनरल नॉलेज में चले गए। ओए ओए आपका काम तो सी कर देता है साहब। ये बताइए दुनिया की पहली वाटरप्रूफ करेंसी किस मुल्क ने बनाई? वेरी गुड।